मुख्य विकास अधिकारी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से जनपद में संचालित वृद्धाश्रम के संचालन हेतु जनपद स्तर पर गठित सदस्यीय जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से जनपद में संचालित वृद्धाश्रम के संचालन हेतु जनपद स्तर पर गठित 7 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति की बैठक, जिसमें सर्वप्रथम जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर देहात द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदया अवगत कराया गया है। अप्रैल 2017 से 150 वृद्धजनों की क्षमता का वृद्धाश्रम संस्था सेवा ग्रामोद्योग सेवा संस्थान कानपुर के माध्यम से जनपद कानपुर देहात में संचालित है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं के आजीविका तथा उनकी चल अचल संपत्ति के माध्यम से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तथा उनके वयस्क उत्तराधिकारियों द्वारा भी भरण पोषण में रुचि नहीं लिए जाने की स्थिति में वरिष्ठ जन के सम्मानजनक जीवन यापन हेतु संचालित वृद्धाश्रम में निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं उपचार तथा मनोरंजन की व्यवस्थाएं हैं। वृद्धाश्रम के सचिव द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया गया है कि निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार प्रतिदिन वृद्धजनों को नाश्ता एवं भोजन दिया जाता है। यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2017 से नाश्ता एवं भोजन की धनराशि 75 रुपए निर्धारित है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान में महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए भोजन नाश्ता हेतु निर्धारित उक्त दर को बढ़ोतरी के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जाए ताकि धनराशि की बढ़ोतरी हो सके, जिसका समिति के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 8 जुलाई 2022 को वृद्धाश्रम में कैंप लगाकर अवशेष वृद्ध संवासियों के पेंशन संबंधी आवेदन पत्र ऑनलाइन कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जो लाभार्थी अन्य जनपदों के हैं उनकी प्रपत्रों की औपचारिकताएं पूर्ण करवाते हुए संबंधित जनपदों को पत्र प्रेषित किया जाए। इसके पश्चात मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि आयुष्मान भारत योजना के तहत वृद्ध संवासियों के कार्ड बनवाए जाएं, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 4 वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा चुके हैं। अब शेष संवासियों के कार्ड बनवाए जाने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वृद्धाश्रम में कैंप आयोजित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। वृद्धाश्रम संचालक द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया गया कि वृद्धाश्रम की निर्धारित क्षमता 150 के अनुसार रिक्त संवासियों की पूर्ति हेतु जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा बहू एनम के माध्यम से प्रचार प्रसार व जरूरतमंद वृद्धजनों को वृद्धाश्रम में निवासरत कराए जाने की बात कही गई, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वह अधोहस्ताक्षरी की ओर से संबंधित विभागाध्यक्षों को इस आशय का पत्र प्रेषित कराएं। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। विराट 24 के लिए कानपुर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।